हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा शाबाश मिथु मूवी के बारे में। जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर के रिव्यू में बताया था कि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट वुमेन क्रिकेटर मिथाली राज के जीवन पर आधारित है। इस मूवी में दिखाया गया है कि वुमेन्स क्रिकेट को वो स्थान और दर्जा प्राप्त नहीं है जो कि मेन्स क्रिकेट को दिया जाता है, पर मिथाली राज अपने संघर्ष और मेहनत से वुमेन्स क्रिकेट को वो फेम और रिकॉग्निशन देने में हेल्प करती हैं जो कि वो काफ़ी सालों से वेट कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी के मुख्य किरदार के रूप में तापसी पन्नू हैं जो कि मिथाली राज का रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा विजय राज जो कि मिथाली राज के कोच का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम संपत है। उसके अलावा मिथाली राज के माँ का रोल देवदर्शनी प्ले कर रही हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है मिथाली राज के बचपन से। इंडिया में लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता जैसा कि लड़कों को दिया जाता है, और इस मूवी में यही बताया गया है। मिथाली राज में बचपन से ही क्रिकेट खेलने की क्वालिटी थी, और जब इस क्वालिटी को कोच संपत ने देखा तब उन्होंने मिथाली राज को क्रिकेट सिखाने का फैसला किया। मिथाली राज के बचपन से लेकर नेशनल क्रिकेट खेलने तक संपत उनको कोचिंग देते रहे, और उसके बाद जब वो इंडिया के लिए खेली तो वो क्रिकेट अकेडमी में चली गई। क्रिकेट अकेडमी में जाने के बाद उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि मूवी में बताया गया कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अलग अलग स्टेट से प्लेयर आते हैं और सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, पर मिथाली राज ने अपने परफॉर्मेंस और मेहनत से सबका मुंह चुप करा दिया। मिथाली राज ने बहुत ही कम उम्र में फॉरेन क्रिकेट टूर भी खेला है जो कि वुमेन क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है। तो मिथाली राज जब इंडिया के लिए खेलती हैं तो वो काफ़ी प्राउड फील करती हैं, पर जब धीरे धीरे उन्हें वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड की सिचुएशंस का पता चलता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ये काफ़ी सुविधाएं जो उन्हें और उनकी टीम में इसको नहीं दी जा रही हैं, तो वो काफ़ी हताश और निराश हो जाती हैं। मिथाली राज जब कैप्टन के लिए चुनी जाती हैं तो वो इस सिचुएशन और इस प्रॉब्लम को BCCI के चीफ के सामने भी ले जाती हैं, जहाँ पर BCCI चीफ उन्हें फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट को या वुमेन्स क्रिकेट टीम को इंडिया में कोई नहीं जानता और उनका स्थान काफ़ी नीचे है। BCCI चीफ के सामने अपनी बेइज्जती देखकर मिथाली राज क्रिकेट छोड़ने का फैसला करती हैं और काफ़ी समय तक वो क्रिकेट नहीं खेलती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वुमेन्स क्रिकेट को वो स्थान दर्जा नहीं है जो कि मेल्स क्रिकेट को दिया जाता है, तो इस मूवी में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मिथाली राज जब एयरपोर्ट में अपने टीममेट के साथ फॉरेन टूर करती हैं तो उन्हें लगेज के लिए एक अलग ही क्यू में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि सारे टीममेट्स के लगेज ओवर एक्सेस हैं। अब अगर ये मेंस क्रिकेट टीम होती तो उन्हें एक अलग क्यू में इसलिए खड़ा कर दिया जाता है कि और पैसेंजर्स को नहीं आने दें, पर यहाँ पर तो क्रिकेट टीम को ही अलग खड़ा कर दिया है क्योंकि उनके पास ओवर एक्सेस बैगेज है। तो ये एक सिचुएशन ये बताती है कि वुमेन्स क्रिकेट की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। तो मूवी में वुमेन्स क्रिकेट की सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है, और इसमें एक संदेश बताने की कोशिश की गई कि वुमेन्स क्रिकेट भी मेंस क्रिकेट से कोई कम नहीं है। इस मूवी में तापसी पन्नू ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने मिथाली राज के हाव भाव, एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, इन चीज़ों में काफ़ी वर्क किया है और काफ़ी जोरदार और काफ़ी सिमिलर प्रदर्शन दिया है। अगर मूवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आउट ऑफ 100 95% परफॉर्मेंस तापसी पन्नू का है जो कि मिथाली राज का रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा उनके टीममेट्स, उनके कोच, उनकी माँ, उनके फ्रेंड्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं मूवी के डायरेक्शन, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, सीन्स की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जगह जगह पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। इस मूवी को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा फॉर दिस मूवी, डायलॉग, डायरेक्शन, सीन, स्क्रीन प्ले और ट्रू बेस इवेंट। सो अगर आप इस वीकेंड कोई मूवी प्लान करें तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी मूवी है और ये एक संदेश देती है कि इंडिया में भी लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, ताकि लड़कियाँ भी एज ए क्रिकेटर इंडिया का नाम रोशन कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू।